हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग CMAED का कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम 100 MCQ इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस में। हमारा क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है आज का, क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट इज नोन एज फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड फोर्थ क्या है? इंटरफेरिंग फ्लोट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फ्लोट का मतलब समझते हैं। ठीक है, फ्लोट क्या होता है? ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है मैक्सिमम रिलैक्स टाइम provided of an activity without delay the project। मैक्सिमम रिलैक्स टाइम हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं उस एक्टिविटी को, जिससे जो है हमारे प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसके ड्यूरेशन पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उसी को हम बोलते हैं फ्लोट। रिलैक्स का मतलब ये भी समझ लीजिए, एक्स्ट्रा टाइम, या हम एक्स्ट्रा टाइम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं उस एक्टिविटी को, ये होता है फ्लोट का मतलब। ठीक है, अब हम फ्लोट को एक एग्जांपल के मदद से हम लोग समझते हैं फ्लोट क्या होता है। बेसिकली जैसे मानिए ये आपकी कोई आई इवेंट है और ये कोई आपका जे इवेंट है। आपका आपको क्या कहा टीचर ने? आपको एक असाइनमेंट दिया। ठीक है, असाइनमेंट दिया। ठीक है, और टीचर ने कहा आपको ये कितने दिन में करना है, और टीचर ने जो आपको टाइम दिया था, टीचर ने टाइम दे दिया आपको 7 दिन के लिए। ठीक है, कि आपको ये असाइनमेंट कितने दिन में जमा करना है? 7 डेज में जमा करना है। और जो टीचर को भी पता है कि ये असाइनमेंट जो है 4 दिन में हो सकता है, आप लोगों को मालूम है कि ये असाइनमेंट हम 4 दिन में 4 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो इस असाइनमेंट का जो टाइम है वो कितना है? 4 डेज में असाइनमेंट आप करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें शुरू होती हैं। अब जो क्लास में बहुत टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जैसे ही आपको असाइनमेंट मिलता है फौरन ही उस पर काम शुरू कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक तो किस टाइप का स्टूडेंट। एक तो पहला स्टूडेंट होगा यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट जो होगा हमेशा कैसे सोचेगा, वो फॉरवर्ड सोचेगा। इसका मतलब क्या है? वो जल्दी से जल्दी अपने काम को ख़त्म करना चाहेगा। ठीक है, फॉरवर्ड सोच, जैसे उसके पास असाइनमेंट आया वो उसी दिन क्या करेगा, उसी दिन काम शुरू कर देगा। कब शुरू कर देगा? जैसे उसके पास असाइनमेंट आया तो उसका स्टार्टिंग टाइम क्या रहा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पे जल्दी ई इक्वल टू 0 है। अब वो ख़त्म कब कर सकता है, उसको पता है 4 दिन लगेंगे, तो ई प्लस 4 डेज, तो कितना हो गया? 4 दिन हो गया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसने जो है टॉपर स्टूडेंट ने कितने दिन में ख़त्म कर लिया? 4 दिन में ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ये जब 4 दिन में ख़त्म कर लिया 4 डेज में, तो ये क्या होता है लास्ट? अब इसके बाद आगे के 3 दिन बचे, प्रोजेक्ट का टाइम कितना था? 7 दिन का था। आगे का जो लास्ट का 3 डेज है वो उसको क्या मिल गया? रिलैक्स मिल गया। ठीक है, वो इंजॉय उस 3 दिनों में क्या कर सकता है? रिलैक्स कर सकता है, आराम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो भी उसका मन करेगा। और जो यहाँ पर जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो कैसे सोचेगा? नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें हम,
नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा वो कैसे सोचेगा, वो बैकवर्ड सोचेगा, ठीक है, बैकवर्ड रिवर्स, बैकवर्ड 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 और रिवर्स सोचेगा। क्यों सोचेगा ये सोचेगा कि जो है प्रोजेक्ट खत्म, प्रोजेक्ट जो है टीचर वो कितने दिन में सबमिट करना है, तो वो कहेगा 7 दिन में सबमिट करना है, ठीक है, 7 दिन में सबमिट करना है, और प्रोजेक्ट को कितने दिन में हो सकता है, ये सारी बातें वो डिटेल्स इसमें बैकवर्ड में जो क्लास का नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो ऐसे इसको सोचेगा। जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो फॉरवर्ड सोचता है उसमें, ठीक है, कि मुझे जो भी असाइनमेंट मिला है उसको मैं उसी दिन चालू स्टार्ट करूँगा, इजकल टू अर्ली, जल्दी जल्दी उसको स्टार्ट कर देगा वो 0 डेज पे, और 4 दिन में जो है उसका शुरू में काम करेगा और वो लास्ट में इंजॉय करेगा। और जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो पीछे से सोचेगा, बैकवर्ड से सोचेगा। कैसे सोचेगा अब हम देखते हैं। जैसे बैकवर्ड से सोचने का मतलब ये है, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा असाइनमेंट है, उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम्स क्या है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब होता है लेट से लेट वो उस एक्टिविटी को कब स्टार्ट कर सकता है जिससे प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम उसका कितना है, 7 दिन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो कैसे, अब हम यहाँ पे देखते हैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट का टाइम कितना है, वो कैसे सोच रहा है, बैकवर्ड सोच रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का जो टाइम है कितना है, 7 दिन का है। अब ये सोचेगा 7 दिन में मैं कब टाइम अपना, कब मैं असाइनमेंट लिखना, असाइनमेंट पे काम करना शुरू करूं, कि ये असाइनमेंट मेरा 7 दिन में ख़त्म हो जाए। तो ये सोचेगा कि 4 दिन का काम है, ठीक है, 4 दिन का ही काम है, और प्लस मैं कब शुरू करूँ कि मेरा असाइनमेंट जो है टाइम पर 7वें दिन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं, या इसको हम मान सकते हैं एक्स है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक्स की आ जाएगी 7-4=3। तब ये सोचेगा कि इस प्रोजेक्ट को मैं तीसरे दिन जो है क्या करूँगा, तीसरे दिन से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये वाला स्टूडेंट क्या है, बैकवर्ड की बात करता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो लेट से लेट उस एक्टिविटी को कब स्टार्ट करे कि उससे जो है पूरे प्रोजेक्ट में कोई, पूरे प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट बैकवर्ड या रिवर्स की बात करेगा, हमेशा वो पीछे से चलेगा, ठीक है। और फॉरवर्ड और जो आपका टॉपर स्टूडेंट होगा वो हमेशा फॉरवर्ड सोचेगा, वो जल्दी से जल्दी एक्टिविटी को करना चाहेगा। यहाँ पे हमें दो बातें याद रखनी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें, अब जो इसका था इसको कितना दिन का रिलैक्स मिल गया, अब इसको जो हम देखें इसका हम निकालेंगे रिलैक्स टाइम्स कितना मिला इसे। एल इजकल टू क्या था, लेट से लेट उसको कब स्टार्ट करता था, 7 दिन, और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, असाइनमेंट का टाइम कितना है ख़त्म होने का, 4 दिन। तो इसका भी 3, इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना आ गया, 3 आ गया, और इसका अर्ली स्टार्ट टाइम कितना था, इसकी जो ई था वो कितना था, अर्ली स्टार्ट टाइम 3 डेज, ठीक है। इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी 3 आया, और इसका भी क्या होगा, जल्दी जल्दी अगर वो करेगा तब भी उसको 3 दिन रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। इसको भी 3 डेज का रिलैक्स, मतलब जो हमारा टॉपर स्टूडेंट था उसको भी कितना, उसको भी रिलैक्स मिला 3 डेज का, और जो नॉर्मल स्टूडेंट का उसको भी 3 डेज का रिलैक्स मिला, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या है, बराबर हैं। तो इसकी वजह से क्या है, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बस सिर्फ यहाँ पे सोचने का क्या है, फ़र्क है, फॉरवर्ड सोचता है जो टॉपर स्टूडेंट होता है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो बैकवर्ड सोचता है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेते हैं, बिना उसके आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो एक्टिविटी में टाइम कितनी तरह के होते हैं, एक्टिविटी जो होती है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, एक्टिविटी
एक्टिविटी में टाइम जो होता है, चार तरह का टाइम हम लेके चलते हैं, ठीक है। पहला एक होता है स्टार्ट टाइम, उस प्रोजेक्ट को हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है फिनिश, वो जो भी एक्टिविटी है वो हमारा फिनिश कब हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम, ठीक है। अब स्टार्ट टाइम जो होता है ये दो तरह का होता है। स्टार्ट टाइम कौन कौन सा होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे शो करते हैं, EST से शो करते हैं, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और दूसरा होता है हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट टाइम क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उस प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट हमें मिला है उस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी कब, जो फॉरवर्ड वाला स्टूडेंट होगा ये सोचेगा इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट कर सकता है कि उसको जल्दी से ख़त्म कर दे, और जो लेट से लेट जो कब स्टार्ट कर सकता है, जो बैक जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो कैसे सोचता है, फॉरवर्ड सोचता है, ठीक है। पहले वो सोचेगा कि प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन कितना है, 7 दिन का है और 4 दिन का काम है, तो मुझे मैं अपना काम कब शुरू करूँ कि मुझे जो है 7वें दिन मेरा काम हो जाए। तो वो जो जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो क्या सोचता है, वो लास्ट के तीन दिन इन्जॉय करता है, उसको रिलैक्स मिल जाता है। और ये जो 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 नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसको जो है वो जो है शुरू में काम करता है, शुरू में आराम करता है, लास्ट में काम करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमारा फिनिश टाइम कितनी तरह का होता है। जो हमारा फिनिश टाइम होता है वो होता है, वो भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है देखते हैं। पहला होता है ये होता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और ये होता है हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसको हम EFT से शो करेंगे, ठीक है, इसको हम शो करेंगे EFT, और इसको हम शो करेंगे LFT। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, EFT का मतलब क्या होता है, उस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी कब ख़त्म कर सकते हैं, और LFT का मतलब होता है जो भी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं उस एक्टिविटी को हम लेट से लेट कब हम शुरू करें, वो एक्टिविटी को लेट मैक्सिमम टाइम हम मैक्सिमम टाइम में हम कब उसको उस एक्टिविटी को हम ख़त्म या फिर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, लेट फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर हम उस एक्टिविटी को लेट भी स्टार्ट करें तो वो भी क्या है, एक्टिविटी अपने टाइम पे क्या हो, ख़त्म हो जाए, जो कि प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये 4 तरह के टाइम होते हैं। ये वाला टाइम जो होता है ये टाइम हम किस में लेके चलते हैं, ये जो टाइम होता है ये टाइम हम किस में लेते हैं, फ्लोट की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोट की बात हम हमेशा किस में करेंगे, CPM की बात करेंगे, ठीक है, CPM में हम फ्लोट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई बातें पता चली फ्लोट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा टोटल फ्लोट क्या होता है, अब हम टोटल फ्लोट समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा हम एग्जाम्पल, सारे जो हमने ये अर्ली स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने लिया है ना, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कितना होता है, जो हमारे पास अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या था हमारे पास, ये है हमारी एक्टिविटी, ये क्या था, कोई भी इवेंट है I और J। ये जो असाइनमेंट था कितने दिन का था आपका, 4 दिन का असाइनमेंट था। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, EFT निकालना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्ली जल्दी से जल्दी हम इस एक्टिविटी को कब फिनिश करते हैं। अगर जो टॉपर स्टूडेंट है क्या सोच रहा था, वो फौरन काम शुरू कर देता है, E=0 पे ही काम शुरू कर देता है, ठीक है। E अर्ली इसको 0 पे वो शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे जो EFT जो हो जाएगा, EFT क्या हो जाएगा,
ई प्लस जो एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन है 4 दिन, तो 0 + 4 इजकल टू 4 डेज आ जाएगा। ठीक है, और उस व्यक्ति एक्टिविटी को लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है उसका, एल क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम उसका जो है कितना है, 7 डेज। ठीक है, क्योंकि उसे 7 दिन में उसको ख़त्म करके हमें देना है। तो जो एल की वैल्यू जो हो जाएगी एल एफ टी जो हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 7 हो जाएगी। अब बचे 2 फार्मूले हमारे पास, एक बचा है हमारे पास LST बचा है, LST लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वो कब स्टार्ट कर सकता है, एक तो जब ख़त्म होने का टाइम कितना है 7 दिन है, और एक्टिविटी का टाइम कितना है 4 दिन है। अब हम जो ये नॉर्मल स्टूडेंट है ये यहाँ से सोच रहा है, बैकवर्ड से सोच रहा है मतलब ये हेड की तरफ से सोच रहा है। ठीक है, जो एक्टिविटी का हेड होता है ये होता है टेल और ये होता है आपका हेड, और जो फॉरवर्ड वाला स्टूडेंट होता है वो यहाँ इधर से सोचता है, फॉरवर्ड की तरफ से सोचता है, टेल की तरफ से सोचता है। ठीक है, दो बातें आप लोगों को ये हमेशा याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे LST का टाइम कितना हो जाएगा, 3 डेज। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, LST हमें पता चल गया। अब देखो एक टाइम हमारे पास और कौन सा रह गया है, EFT हो गया, EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम उसका कब होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो EST होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम उसको हम जल्दी जल्दी कब, 0 डेज में ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम कब शुरू करते हैं, 0 डेज में। ठीक है, ये है 4 हमारे यहाँ पे कितने टाइम पता चले आप लोगों को, 4 टाइम होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना है, जब हम थ्योरी क्लास लेके आएंगे इसकी, सीपीएम की एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें हम सारे डिटेल्स में आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो 2 घंटे की वो वीडियो होंगी जिसमें आप सभी लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या होता है, हम किसी एक्टिविटी को कितना रिलैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे जो है हमारे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में कोई फर्क न पड़े। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। फ्री फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट वही सेम चीज़ है लेकिन इस एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं कि जो फॉरवर्ड एक्टिविटी है, जो आगे वाली एक्टिविटी, जो सक्सेसर एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेयरिंग फ्लोट। हम थोड़ा जल्दी फास्ट चलते हैं। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट इवेंट लोकेटेड ऑन द एक्टिविटीज इन ए बार चार्ट। बार चार्ट में इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा लोकेटेड होता है, माइलस्टोन। ठीक है, अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, माइलस्टोन्स लोकेटेड होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलाउेबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। अभी हमने बताया फ्लोट वो क्या होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, नॉर्मल, द डिफरेंस बिटवीन द अलाउेबल अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे क्या है, इवेंट की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे एक्टिविटी की बात करता तो ये हो जाता फ्लोट। अब यहाँ पे इवेंट की बात करता वो हो जाता है स्लैक। फ्लोट और स्लैक दोनों चीज़ें सेम हैं। आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकता है फ्लोट का यूज हम किस में करते हैं, फ्लोट का यूज हम CPM में करते हैं, और ये भी क्वेश्चंस में पूछ, स्लैक का यूज हम कहाँ पे करते हैं, पर्ट में करते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। CPM किस पे बेस्ड होता है, CPM जो होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, और पर्ट जो होता है वो घटना ओरिएंटेड होता है। ठीक है, घटना एक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज़ द राइट आंसर, स्लैक होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा हमारा, अर्लीस्ट फिनिश्ड ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, जल्दी से जल्दी उस एक्टिविटी को हम कब ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम हम जल्दी से उसको कब ख़त्म कर सकते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट ऑफ द फॉलोइंग नोड। जो इवेंट दिया होगा उससे उसके बराबर भी हो सकती है, लेस उससे कम हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रूल इज़ यूज टू नंबरिंग द इवेंट इन ए नेटवर्क।
नेटवर्क में जैसे ये मान लीजिए तो ये आपका एक एक्टिविटी, ये है आपका क्यों नेटवर्क है, फिर ये नेटवर्क ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर ये यहाँ मिल रहा है, फिर ये हमने डमी एक्टिविटी दे दी। तो यहाँ पे जो हम नंबरिंग करते हैं, एक दो, पहला नंबर हम किसको देंगे, इसको देंगे, दो देंगे, इसको तुम तीन नंबर देंगे या इसको चार नंबर देंगे, इसको पाँच नंबर देंगे या छः नंबर देंगे, ये हम नंबरिंग कैसे डिसाइड करते हैं, ये नंबरिंग हम डिसाइड करते हैं जो हमारे फुलकर्सन से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नंबरिंग के बारे में बताया था। इसकी सारे कुछ लिमिटेशंस हैं वो आपको क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, फुलकर्सन रूल। तो इतना बस याद रखना है, नंबरिंग हम कैसे करते हैं, बाई यूजिंग फुलकर्सन नियम, ठीक है, उसको हम फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस बाई एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी गेंट्स, या फिर एम आर वालकर, या फिर जे ई किल्ली। तो यहाँ पे जो हमारा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसने किया था, ये एफ डब्ल्यू टेलर ने किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इवेंट्स दैट इमीडिएटली कम बिफोर द अनदर इवेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये कोई हमारा क्या है, आई इवेंट है, ये कोई हमारा क्या है, आई इवेंट है, ये कोई हमारा जे इवेंट है, ठीक है, और इसका ड्यूरेशन टाइम है क्या है, टी आई जे क्या है, इस इवेंट को कंप्लीट करने का क्या है, टाइम है, टी आई जे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, इसका फोर दिन, पाँच दिन, कुछ भी मान सकते हैं, इसको कोई भी आप काम मान सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी काम हो सकता है, ये कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे प्लास्टरिंग का काम हो सकता है, या आप मान लीजिए एक्सकवेशन का काम हो सकता है, कॉन्क्रीटिंग का काम, कुछ भी काम हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। अब इससे पहले कोई और काम होगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, अगर यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अगर एक्सकवेशन का काम चल रहा है, तो एक्सकवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे पीसीसी का काम हो जाएगा, जब पीसीसी का काम हो जाएगा तो इसके बाद क्या चलेगा, ब्रिक्स वर्क का काम चलेगा, तो इसके आगे भी कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, इससे पहले भी कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इससे पहले ये वाली एक्टिविटी है जो एक्सकवेशन का काम चल रहा है, जो बैकवर्ड वाली एक्टिविटी है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं प्रीडिसेसर, और जो इसके आगे वाली ये वाली एक्टिविटी है उसको हम जानते हैं क्या, जानते हैं सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर। आपसे अगर क्वेश्चंस में पूछता आगे वाली एक्टिविटी तो आप सक्सेसर बोलते हैं, और क्वेश्चंस में हमारे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है बिफोर, पहले वाली एक्टिविटी पूछ रहा है, तो हम उसको क्या ऑप्शन देंगे, प्रीडिसेसर ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन नेगेटिव स्लैक। नेगेटिव स्लैक का ये मतलब होता है, अगर स्लैक आपका नेगेटिव है, मतलब इवेंट की वैल्यू जो आ रही है क्या नेगेटिव आ रही है, तो इसका ये मतलब है जो प्रोजेक्ट का जो टाइम था वो प्रोजेक्ट हमारा उस टाइम से बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये होगा, प्रोजेक्ट जो है हमारा उसका अपने टाइम से नहीं चल रहा है, वो बहुत ही पीछे प्रोजेक्ट चल रहा है, अपने टाइम पे वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वालिटी सर्किल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैन हैव द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट। जो क्वालिटी सर्किल्स होता है, ये हम डायग्राम बना के देखते हैं, क्वालिटी सर्किल्स में जो होता है क्या क्या हो सकते हैं, एक तो होता है एक्टिविटी, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी काम कर रही हैं, प्लान, फिर उसको प्लानिंग की प्लान आ सकता है, फिर डू, उस प्लान जो भी प्लान है उसको हम क्या करें, ऐसे फॉरवर्ड में चलता है ये, और फिर उसको हम चेक करने का काम करेंगे। तो इसके अंदर आर्किटेक्ट आ सकते हैं, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट वगैरह सब आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फ्लोट कैन बी एक्सप्रेस। टोटल फ्लोट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभी हमने बताया था उधर निकाल के, या तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, उस एक्टिविटी को हम जल्दी से जल्दी कब, लेट से लेट हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे क्या ऑप्शन, सात दिन दिया हुआ था उसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसको हम जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट करते
लेट से लेट हम उस एक्टिविटी को कब स्टार्ट कर सकते हैं और उसको हम जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी उस एक्टिविटी को हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, 0 दिन पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, टोटल लेटेस्ट स्टार्ट टाइम उसका कितना आ जाएगा, 7 दिन आया था। और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है उसका 7 दिन है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो कब कर रहा है, जल्दी जल्दी 4 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे 3 दिन का क्या मिल रहा था, रिलैक्स मिल रहा था, वहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी इज़ द, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे सही, सी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज़ द अर्ली इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट लीव, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी जो उस नोड से क्या हो रहा है, लीव बाहर जा रहा है, तो ये भी हमारा सही है। तो अब हम देखते हैं बी क्या है, लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इन इंटर, ठीक है, जो उस नोड पे इंटर कर रहा है। लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट इन इंटर, ये मान लीजिए ये है कोई, ये इसको हम बोलते हैं 1 2, इसको हम कहते हैं नोड 1, इसको हम इवेंट को हम नोड से शो करते हैं, नोड 1 नोड 2। अब यहाँ पे देखो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज़ द अर्ली इवेंट, ईएसटी क्या है यहाँ पे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ द नोड इट लीव, जो यहाँ से नोड क्या कर रहा है, ये जा रहा है इधर आगे की तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड। और लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी इज़ द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इन इंटर, यहाँ पे जो लेटेस्ट एल होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होता है इसका नोड, इसी नोड पे तो इंटर कर रहा है जहाँ पे इंटर कर रहा है। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज़ द लेटेस्ट फिनिश माइनस इट्स ड्यूरेशन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी LST, उस एक्टिविटी को हम कब स्टार्ट करते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, इसका ड्यूरेशन मान लीजिए 4 दिन है यहाँ पे, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, टोटल लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है उसको, 7वें दिन में तो हमें ख़त्म ही करना है उस एक्टिविटी को। जैसे असाइनमेंट वाला एग्जांपल आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, माइनस इसका ड्यूरेशन कितना है 3 दिन का, तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास 4 डेज, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ डिप्लोमा में न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो हमारा डी ये कौन सा होगा, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट इंटर माइनस इट्स ड्यूरेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, माइनस नहीं करते हम, ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉन क्रिटिकल इन द प्रोजेक्ट गिवेंस इन द टेबल, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होगी इसमें, ठीक है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ऑफ द टेबल, जिस एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप सबसे, जिस एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप सबसे कम होगा वही हमारी क्या होगी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है। आप लोगों को कैसे याद रखना है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब अगर कहीं ऐसे ऐसे करके आपको डायग्राम में दिया रहे, उसमें कॉस्ट स्लोप भी दिया रहे, तो यहाँ पे जो सबसे कम कॉस्ट स्लोप होगी उस एक्टिविटी क्या होगी, वहाँ पे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी वो होगी जिसका कॉस्ट स्लोप क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका सबसे ज़्यादा है, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका 25, 25, 25, 55, सबसे कम किसका है, 15 का है, तो हमारा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी यही हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैंट चार्ट इंक्लूड, ये क्या करता है, ये क्या बनाता है, गैंट चार्ट जो होता है वो हमारे पास कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस, ये जो है क्या काम करता है, चार्ट जो हम किस लिए बनाते हैं, हम वहाँ पे जो हमारा कंपैरिजन करते हैं, जो हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस है वर्क का विद द शेड्यूल प्रोग्रेस, जो हमने शेड्यूल मतलब एक साल माना था, तो उस शेड्यूल में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो हम किस में, गैंट चार्ट में, कि गैंट चार्ट में ये सब इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सीरियस लिमिटेशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन, किस में हम करते हैं, ये जो है होता है सीरियस इंडिपेंडेंस इन बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, इसमें जो होता है सिर्फ मेन एक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास सब एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसको हम बार चार्ट में नहीं डिफाइन कर सकते हैं। जब हम बार चार्ट में नहीं डिफाइन करते तो इसी का वर्जन हमने दूसरा
दूसरा फिर इसके मदद से जिस पे माइलस्टोन चार्ट फिर बनाया गया था, माइलस्टोन चार्ट में क्या हुआ था सब एक्टिविटी को भी हम दर्शा सकते थे। और बार चार्ट में हम एक्टिविटी को कैसे दर्शाते थे, हॉरिजॉन्टल्स लेके हम दर्शाते थे, ठीक है। तो ये दो तीन बातें आप लोगों, एक्स एक्सिस पे क्या होता था, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे जो एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है। और इसको एक्टिविटी को हम कैसे दर्शाते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइम के हॉरिजॉन्टल दर्शाते हैं, ठीक है, या टाइम के पैरेलल या हॉरिजॉन्टल्स में दर्शाते हैं, ठीक है। उसको हम फिर इसमें हैचिंग कर देते थे। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे इसमें कौन सी एक्टिविटी हम नहीं दिखा पाते थे। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना था, कॉन्क्रीटिंग कराना था अपने छत की, तो उसमें कॉन्क्रीटिंग से पहले पहले क्या क्या काम होगा, कॉन्क्रीटिंग से पहले शटरिंग का काम होगा, जब शटरिंग लग जाएगी, शटरिंग लगेगी तो उसके बाद उस पर हम स्टील बिछाने का काम करेंगे, जब स्टील बिछाया जाएगा तो उसमें क्या है, थोड़ा बिजली का पाइपिंग का काम होगा, बिजली के पाइप्स डलेंगे उसमें, ठीक है। ये तीन काम होंगे तब जाके आपकी लास्ट में क्या करेगी, कॉन्क्रीटिंग पड़ेगी, और फिर मशीनरी आएंगी, मटेरियल्स आएगा। ये सब चीज़ें हम बार चार्ट में नहीं दिखा सकते थे, लेकिन जो माइलस्टोन चार्ट आया था ये सब चीज़ें भी हम उसमें क्या करते थे, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, बार चार्ट का, बार चार्ट इज द राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या हो सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, की आवश्यकता किसमें होगी, साइट क्लियरेंस में, इरोजन कंट्रोल में, मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर। जब मटेरियल होगा तभी तो उसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कब होगा, जब आपके पास मटेरियल नहीं होगा, मटेरियल्स होगा तभी आप क्या करेंगे, काम करेंगे, फॉर्म वर्क कर सकते बिना मटेरियल के नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए भी क्या है, मटेरियल हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्टिविटी ए प्रीसीड बी। एक्टिविटी ए जो है वो क्या कर रही है, मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी बना लीजिए, जैसे यही एक्टिविटी है, 6, 7 फिर ये 8, ठीक है, फिर ये है हमारा 9। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, एक्टिविटी ए प्रीसीड बी, एक्टिविटी ए जो है प्रीसीड कर रही है बी को, मतलब प्रीडिसेसर एक्टिविटी ए का, पहले वाली एक्टिविटी कौन है, एक्टिविटी के प्रीडिसेसर्स कौन है, पूर्ववर्ती कौन सी है, बी वाली एक्टिविटी है, ठीक है। बट एक्टिविटी ए फिर उसके एक्टिविटी के बाद सक्सेसर वाली एक्टिविटी कौन सी है, सी है। तो अब हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, एक्टिविटी ए ये होगा हमारे पास, उससे पहले प्रीडिसेसर्स एक्टिविटी कौन सी है, बी है, फिर उसके सक्सेसर उससे आगे वाली एक्टिविटी कौन सी है, सी है। तो ये डायग्राम हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा राइट आंसर होगा, इसमें क्या कह रहा है, एक्टिविटी ए का प्रीडिसेसर्स एक्टिविटी बी है, मतलब उससे एक्टिविटी ए से पहले एक्टिविटी बी आएगी, फिर उसके बाद एक्टिविटी सी आएगी। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलो, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होता है वो कौन सा फॉलो करता है, वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कौन सा फॉलो करता है, वो ये जो होता है पर्ट, जो होता है पर्ट में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉलो करते हैं, पर्ट और CPM में दोनों जो प्रोजेक्ट ये इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, एक सिंगल एक्टिविटी के लिए नॉर्मल, पूरे होल प्रोजेक्ट के लिए जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, और एक सिंगल एक्टिविटी के लिए जो होता है पर्ट में जो हम यूज करते हैं वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, अब हम यहाँ से फास्ट चलेंगे, ठीक है। बार चार्ट आर सुटेबल फॉर, बार चार्ट किस लिए होता है, माइनर प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट, ह्यूज प्रोजेक्ट। बार चार्ट जो होता है, जाहिर सी बात है, वो सिंपल प्रोजेक्ट के लिए होता है, माइनर छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है। बार चार्ट जो होता है क्या होता है, माइनर प्रोजेक्ट के लिए होता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है। उसमें माइलस्टोन चार्ट जो होगा वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, डमी एक्टिविटी क्या होती है, हैज नो बियरिंग ऑन द नेटवर्क्स एंड अपीयर्स एनीवेयर, ठीक है। ये तो गलत हो गया, नेटवर्क्स में तो हम इसको दिखाते हैं,
इसको क्या करते हैं नेटवर्क्स में इसको हम दिखाते हैं। पहला ही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। हैज़ ओनली हेड इवेंट बट नो टेल इवेंट, ये भी गलत है। दोनों इवेंट होता है, हेड भी होता है टेल भी होता है। हैज़ टेल इवेंट बट नो नेट, ये भी गलत है। नाइदर रिक्वायर एनी टाइम नॉर एनी रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। डमी एक्टिविटी को हम शो कैसे करते हैं, ऐसे को शो करते हैं। इसमें क्या होता है, टेल भी होता है और हेड भी होता है, दोनों चीज़ें दोनों बातें होती हैं, ठीक है। और ये नेटवर्क्स में हम इसको बनाते हैं, हैज़ टेल इवेंट बट, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा सी डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक्टिविटी मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट करेक्ट आंसर। एक्टिविटी क्या है, इवेंट क्या है, डमी क्या है, फ्लोट क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सबसे सस्ता, जो सबसे आसान लग रहा हो उसको आप लिख लीजिए। डमी को आपको क्या दिखाते हैं, डमी को नो रिसोर्सेज, जिसका कोई रिसोर्सेज से रिसोर्सेज लेस एलिमेंट, इसके लिए कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो डी का कौन सा हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट वो होता है, फ्लोट का मतलब जिसमें हम टाइम की क्या करें, स्पेयर टाइम, जिसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और उसमें रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, ठीक है। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी रिसोर्सेज कंज्यूमिंग एलिमेंट या इंस्टेंटेनियस स्टेज। इवेंट का क्या मतलब होता है, इवेंट का मतलब होता है घटना, घटना शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, ये इवेंट में आता है, ठीक है। या प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट की कोई एक्टिविटी कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, ये इवेंट के अंदर में आता है। और एक्टिविटी का मतलब क्या है, रिसोर्सेज कंज्यूमिंग एलिमेंट, एक्टिविटी करने के लिए, प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को, संक्रिया को करने के लिए आपको क्या है, रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ आवश्यक पड़ेगी। मटेरियल चाहिए उसके लिए, मैन पावर चाहिए, मिस्त्री चाहिए और होल सारी चीज़ें उसमें चाहिए, ठीक है। तो हमारा 20 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग रूल्स ऑफ नेटवर्क्स डायग्राम एंड स्टेट व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट। इसमें से रूल बताना है हमें, कौन सा रूल है, और इसमें से कंसीडर द फॉलोइंग रूल्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम एंड स्टेट व्हिच आर द करेक्ट। नेटवर्क का क्या, नेटवर्क डायग्राम जो हम बनाते हैं उसमें कौन सा रूल है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पढ़ना। नेटवर्क ऑलवेज हैव सिंगल इनिशियल फाइनल इवेंट, सिंगल इनिशियल फाइनल इवेंट हो सकता है क्या उसमें, ठीक है। नेटवर्क ऑलवेज हैव सिंगल इनिशियल फाइनल इवेंट क्या होगा, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, एक ही इवेंट पे जो तो जाके ख़त्म होगा। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी आ रही होंगी, इधर भी एक्टिविटी आएगी, इधर भी एक्टिविटी आएगी, लास्ट में जो ख़त्म होगा वो एक सिंगल इवेंट पे ही ख़त्म होगा, ठीक है। तो हमारा एन इवेंट कैन होकर ट्वाइस, एक इवेंट दो बार आ सकता है, नहीं, एक इवेंट कभी भी दो बार नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या है, आपने प्लास्टरिंग का काम कर लिया, तो आपका क्या प्लास्टरिंग का काम दोबारा आएगा, नहीं आ सकता, इवेंट क्या है वो नहीं आ सकता। जैसे नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इन इवेंट हैज ऑकर्ड। जैसे मान लीजिए ये कोई एक एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर वन, एक्टिविटी टू, एक्टिविटी नंबर थ्री, ठीक है। ये कोई एक्टिविटीज़ हैं, दो एक्टिविटी है, इसका ए है, ये बी है। जब तक हम बी एक्टिविटी को नहीं शुरू कर सकते, जब तक हमारा ए एक्टिविटी क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम बी एक्टिविटी को शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक ये चार दिन का होगा, ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तभी हम अपने दूसरी एक्टिविटी को शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एक्सकवेशन का काम है, एक्सकवेशन का काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, आप क्या उसमें पीछे से करने लगेंगे, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारा तो कौन सा ऑप्शन होगा, इट इज़ द यूजुअल प्रैक्टिस टू शो टाइम फ्लो फ्रॉम, ये तो गलत है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइम विद विच डायरेक्ट कॉस्ट स्लोप, डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विद द इंक्रीज इन टाइम इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द टाइम विद विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस। डायरेक्ट कॉस्ट जो है, डायरेक्ट कॉस्ट जितना भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का था, उसको हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं या रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल टाइम। जो प्रोजेक्ट का जो नॉर्मल टाइम है, उसी पे वो प्रोजेक्ट क्या है, हमारा क्या है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का बी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If there are n number of event in the networks diagram, then number of dual role event, dual role की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, n minus 2 हो जाएगा, n minus 2 होगा। ये भी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एग्रीमेंट टू बी साइन फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को
साइन करने के लिए, ठीक है। तो पहला लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, जाहिर सी बात है आपको लेटर मिलेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे करना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये सब इसमें कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और कंडीशन फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन की कुछ ना कुछ क्या होगा, एप्लीकेंट पर्टिकुलर, हर कंडीशन फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, हर पर्टिकुलर एप्लीकेशन की कुछ ना कुछ कंडीशंस वहाँ पे दिया। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, और जो आपको ड्राइंग मिलेगी वहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और ड्राइंग भी आपको मिलेगी, प्राइस, बिल क्वांटिटी सब का आपको प्राइस बता दिया जाएगा। मतलब ये आपको जो आपका एक्सकवेशन का काम होगा ये इतने रुपए से होगा, ब्रिक वर्क का इतने रुपए का होगा, प्लास्टरिंग का ये रेट होगा, सारा रेट भी उसमें फिक्स कर दिया जाता है। तो हमारा डी होगा ऑप्शन, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डमी एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम, डमी एक्टिविटी में क्या हो सकता है, डमी एक्टिविटी में डज नॉट, टाइम तो नहीं होता, टाइम क्या होता है, जीरो होता है। मटेरियल्स क्या होता है इसमें, रिसोर्सेज की भी नहीं आ सकता, मनी इसमें कोई पैसे की भी नहीं आ सकता पड़ती, इसको बस हम ग्रामेटिकल पर्पज के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यर अ क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ, मोस्ट प्रॉफिटेबल पाथ या फास्टेस्ट पाथ। जो क्रिटिकल पाथ होता है उसका जो होता है हमेशा कैसा पाथ होगा, लॉन्गेस्ट पाथ होगा, ठीक है। क्रिटिकल पाथ जो होगा हमेशा कैसा पाथ होगा, वो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है, वो जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आप लोगों को पूरी डिटेल्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है थोड़ा सा। अब हम देखते हैं द एरिया अंडर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। एक तो मोस्ट लाइकली टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम या पेसिमिस्टिक टाइम और या ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसमें जो इंटू टू इक्वल पार्ट में जो डिवाइड होता है ये होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की अगर हम बात करें, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये जो हाफ पार्ट होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये किस में होता है, इसमें तीन टाइम्स आता है, मोस्ट लाइकली टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। इन तीनों टाइम का जो हम टी एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम। जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का क्या टाइम, 50% चांसेज होता है फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो हमारा 27 का बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द चार्ट विच गिव्स एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन द वेरियस वर्क स्टेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, द चार्ट विच गिव्स एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशंस, उसको हम प्रोसेस चार्ट बोलेंगे, ऑपरेशन चार्ट बोलेंगे, ट्रेवल चार्ट या फ्लो चार्ट बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेवल चार्ट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग का प्रोसेस होता है, वर्क स्टेशन जहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, या एस्टिमेट करने के लिए, तो उसको हम ट्रेवल चार्ट हम बोलते हैं। इन द क्रिटिकल पाथ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी, फ्री फ्लोट क्या हो सकता है, फ्री फ्लोट जो होता है ग्रेटर देन टोटल फ्लोट या इक्वल टू टोटल फ्लोट, ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट या लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो सकता है, जो हमारा 20 ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, फ्री फ्लोट जो होगा ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट से ज़्यादा होगा हमेशा, ये भी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए टर्म रेफरिंग टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर विच एन एक्टिविटी कैन बी शेड्यूल, मतलब कौन से टर्म यहाँ पे रेफर कर रहा है, जो किसी एक्टिविटी को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम उसको क्या है शेड्यूल कर सकते हैं, उसको हम उस पर हम क्या करते हैं काम कर सकते हैं, तो एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्रैश ड्यूरेशंस शॉर्टेस्ट टाइम में, जब हम शॉर्टेस्ट टाइम की बात करेंगे तो हमें कोई कुछ ना कुछ वहाँ पे क्रैशिंग करनी पड़ेगी, टाइम को अगर हमें कम करना है या मनी को कम करना है उसके लिए हम कुछ क्रैश करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करना है तो हम कम कैसे करेंगे, कुछ या तो रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा दे देंगे, जैसे
मटेरियल या वहाँ पे लेबर प्रोवाइड ज़्यादा कर, जैसे काम चल रहा है वहाँ पे लेबर की ज़्यादा कर दिया, नाइट में भी हम काम शुरू करवा दिए, तो ये सब चीज़ें हैं कुछ वहाँ पे। और मशीन को जहाँ पे हम लेबर से काम करा रहे हैं तो वहाँ हम लेबर से ना काम करा के वहाँ मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके हम क्रेशिंग करते हैं। क्रेशिंग का एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 30 का कौन सा होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31। टोटल फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ए टास्क इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क कैन बी डिलेड विदाउट केजिंग ए डिले टू द माइलस्टोन कम्प्लीसन डेट, प्रोजेक्ट कम्प्लीसन डेट, या प्रोजेक्ट कम्प्लीसन डेट से पहले ही उसको क्या है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट का क्या मतलब होता है, जो प्रोजेक्ट के अगर हम डिले कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी को डिले कर रहे हैं, तो टोटल प्रोजेक्ट पे उस पर क्या है कम्प्लीसन डेट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसी को हम बोलते हैं टोटल फ्लोट। तो हमारा 31 का सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं द टेक्निक फॉर स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज अमॉन्ग वेरियस जॉब ऑफ ए प्रोजेक्ट इज नोन एज, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। द टेक्निक, कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं शेड्यूलिंग का, स्टेबलिंग का, मेंटेन करने के लिए प्रायोरिटीज अमॉन्ग वेरियस जॉब। वेरियस जॉब का मतलब क्या हो सकता है, वेरियस एक्टिविटीज़ को ऑफ ए प्रोजेक्ट इज नोन एज इवेंट फ्लो शेड्यूलिंग या क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग, स्लॉटिंग टेक्निक या शॉर्ट, उसको हम क्या कह सकते हैं। 31 को हम किस नाम से जानेंगे, प्रोजेक्ट कम्प्लीशंस, उसको हम जानेंगे। 32 जो है हमारा दैट क्या है, ये हो जाएगा क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग हम इसमें क्या करेंगे, क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग करेंगे। तो क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या है, हम उस एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी या जल्दी से जल्दी क्या करेंगे शेड्यूल करना चाहेंगे, क्रिटिकली टाइम में वो जो है क्या हो जाए एक्टिविटी हमारी खत्म कंप्लीट हो जाए। तो हमारा 32 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट द क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क रिप्रेजेंट, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो क्रिटिकल पाथ होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ में हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम टाइम आएगा, ठीक है। क्रिटिकल पाथ में हमेशा क्या आएगा, जो मैक्सिमम टाइम होगा प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का, वही हमेशा किस में आएगा, क्रिटिकल टाइम में आएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शो द एरो डायग्राम फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट द एरो ए, इसको हम क्या कहते हैं, एरो ए इज नोन एज, इसको हम क्रिटिकल एक्टिविटी या लॉजिक एरो, या फिर आपका यह हो सकता है इसमें ये डमी एक्टिविटी या सब क्रिटिकल एक्टिविटी। तो हम इसको जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस वाली एक्टिविटी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इस वाली एक्टिविटी को हम बोलेंगे सब क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। सब क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे जैसे अगर आपने ये वाली एक्टिविटी जल्दी कंप्लीट कर ली और ये वाला एक्टिविटी में काम चली रहा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले ये वाली एक्टिविटी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी 4 दिन में ही, जब तक आप 8वें दिन तो आप 4 दिन और काम करेंगे तब जाके ये वाली एक्टिविटी भी क्या पहुँचेगी, आगे पहुँचेगी, ठीक है। तब तक आप आगे नहीं जा सकते जब तक दोनों एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, आपको क्या करना है इंतज़ार करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं सब क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। सब क्रिटिकल एक्टिविटी यहाँ पे क्रिटिकल टाइम कितना है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है, एक्टिविटी बी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम 7, 8, 9, ये सब दिया हुआ है, एंड एक्टिविटी बी का दिया हुआ है। दो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में तीनों टाइम दे रखे हैं, क्या क्या दे रहा है, 7, 8 टाइम दे रखा है और 6, 7, 1.5 दे रखा है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, दोनों टाइम दे रखा है। अब हमें इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एक्सपेक्टेड टाइम का हमें फार्मूला पता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम का जो फार्मूला होता है, टी ई बराबर होता है टी नॉट प्लस 4 TM प्लस TP, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, और ये होता है हमारा पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो हम यहाँ पे सारे वैल्यू हम रख देंगे, 7 × 4 प्लस 8 7 प्लस 4 × 8 प्लस 9 / 6, ये कितना आ जाएगा, 8 डेज आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे हम दूसरा वाला टाइम रखेंगे,
जो ये वाला टाइम रखेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा 6 + 4 × 7.5 + 12 / 6, इसका भी कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा, दोनों क्या होगा बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी बी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी ए, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बोथ द एक्टिविटीज ए एंड बी विल बी सेम होगा, ठीक है 35 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द टाइम बाय व्हिच ए पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वन में बताया था, उसको हम फ्री फ्लोट बोलते हैं, ठीक है, जो आगे वाली एक्टिविटी और पीछे वाली एक्टिविटी को अगर वो डिले ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट में वो आता है, उस एक्टिविटी को हम कितना डिले करें कि जो है हमारी जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी और जो सक्सेसर एक्टिविटी है इन दोनों में कोई फ़र्क न पड़े, उसके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई फ़र्क न पड़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा, देख लेते हैं एक बार हम, क्वेश्चन नंबर 36 का द टाइम इज द पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सेडिंग एक्टिविटी इज नोन एज, इसको हम जानते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, मिनिमम टाइम, इसको हम, चलिए इसको हम डिटेल्स में हम लोग देखेंगे बाद में, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है, गिव्स दैट टी इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ द वेरियस जब टी मीन, टी एम क्या है मीन टाइम ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और द स्टैंडर्ड डिवेशन यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, टी माइनस टी एम आपका पूरे का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट से लेट उस एक्टिविटी को हम कभी स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द ऑल द प्रीसीडिंग नोड्स, ठीक है, या फिर लेटेस्ट स्टार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस की मदद से हम समझते हैं, लेटेस्ट ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, जो ग्रेटर वाली एक्टिविटी उसी को हम लेंगे, या लेस देन ये वाला नहीं हो सकता, या ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा कौन सा ए इज द राइट आंसर होगा, कैसे राइट होगा, देखो ये जैसे कोई एक्टिविटी है 5, ये इसका कितना है 4 डे, ये ए है, अब यहाँ पे देखो यहाँ इस वाले नोट्स पे कितनी एक्टिविटी इंटर कर रही है, एक तो ए पी एक्टिविटी आ रही है, एक क्यू एक्टिविटी आ रही है, ठीक है, और एक आर एक्टिविटी आ रही है, तो जिसका ड्यूरेशन कितना 9 दिन है, 6 दिन है, 7 दिन है, तो ये तीनों एक्टिविटी यहाँ पे आ रही हैं, जब तक कौन सी एक्टिविटी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द ऑल द प्रीसीडिंग नोट, जितने भी नोट्स इस पे इस वाली एक्टिविटी पे आ रहे हैं, इस वाले इवेंट पे आ रहे हैं, तो उसी को हम क्या करें, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, इसका क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम टाइम होगा उसमें ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इधर की बात करें, जो इधर से जब हम चलेंगे, जो बैकवर्ड की अगर हम बात करेंगे, तो बैकवर्ड जो स्टूडेंट था वो उस वाले केस में हम मिनिमम लेके चलेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम पेसिमिस्टिक टाइम एंड द मोस्ट प्रोबेबल टाइम 5, 7, 17, 18 डेज रेस्पेक्टली द एक्सपेक्टेड टाइम टी निकालना है, वो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे, आप लोग निकाल लेना इसका आंसर क्या होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट जे इज इक्वल टू टी एल जे, द अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट आई इज इक्वल टू क्या है टी एल ई आई एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी क्या कितना दिया हुआ है टी आई जे दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट कैसे निकलें, इसको माइनस ये माइनस तीनों माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कौन सा होगा बी क्या हो जाएगा 41 का बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, तीन तरह के फ्लोट होते हैं, ठीक है, तो इसमें फार्मूले को याद करने का हम तरीका भी आप लोगों को बताएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 6, ठीक है, ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द प्रोजेक्ट द मेजर क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स आर टेस्टिंग एंड सैम्पलिंग,
प्रोजेक्ट का मेजर क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा हो जाएगा डी इज़ द राइट। इंस्पेक्शन भी वहाँ करनी पड़ेगी, कुछ टेस्टिंग भी करनी पड़ेगा और सैम्पलिंग भी करनी पड़ेगी। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फ्यूचर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस का दो फ्यूचर्स कौन कौन से हैं, अर्बनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस। बी इज द इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्बनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस होगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम चलते हैं। इफ़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स लाइकली मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ एक्टिविटी इतना द वेरियंस। वेरियंस निकालने का क्या फार्मूला होता है, वेरियंस निकालने का फार्मूला जो होता है सिग्मा स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है टी पी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 6 पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला ऐसे निकलता है, इससे आप लोग निकाल ऑप्शन से आप लोग क्या है निकाल लेना। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इंडिकेट। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल जो है वो क्या इंडिकेट करता है, द रेट प्रोग्रेस फॉर ईच ऑपरेशन या फिर द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, द बोथ द एक्चुअल प्रोग्रेस एंड द रेट ऑफ प्रोग्रेस दोनों को इंडिकेट करता है। तो क्या करता है, जो हमारा ये रेट को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, द रेट ऑफ प्रोग्रेस किस रेट से वो काम चल रहा है हमारा, ये द एक्चुअल प्रोग्रेस वर्क टोटल जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है उस पर एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर ये रेट के अगर जो है ड्यूरेशन हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं शेड्यूलिंग टाइम जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा दोनों चीज़ों पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का सी इज़ द राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन टीम। कंस्ट्रक्शन टीम्स का क्या मतलब हो सकता है, एन इंजीनियर एन आर्किटेक्ट एन ऑनर्स। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टीम में ये तीनों लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने